कितने लोग चाहेंगे कि हमारी कलीसिया सत्संग कलीसिया एक आदर्श कलीसिया होने पाए, आदर्श मतलब वचनों के अनुसार चलने वाली कलीसिया, आदर्श दूसरों के लिए एग्जाम्पल कलीसिया बनने पाए। कितने लोग चाहते हैं कि हम ऐसी आदर्श कलीसिया बने? हम सब चाहते हैं। कोई कलीसिया ऐसी नहीं है दुनिया में जो चाहे, जो नहीं चाहती आदर्श कलीसिया बनना। हम सब चाहते हैं हम आदर्श कलीसिया बने। तो आज आदर्श कलीसिया के ऊपर हम एक अध्ययन को शुरू करेंगे जो इस पत्री से हम सीखेंगे। ये पत्री में बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है हमारे जीवनों के लिए, हमारी कलीसिया के लिए, अगुओं के लिए, आप लोगों के लिए, हमें बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। पौलुस जो है उसने इस कलीसिया की स्थापना करने में मदद करी थी और अब वो इस कलीसिया को, जिस कलीसिया को उसने पत्री लिखी है, इस कलीसिया को स्थापित करने के बाद बहुत समय तक वो जा नहीं पाया, उनके पास जा नहीं पाया। इनफैक्ट उसने कहा, मैं तुम लोगों के पास आना चाहता था पर शैतान ने मेरा रास्ता रोका। मान लीजिए जैसे मैं और सोनू भाई, हम दोनों इस कलीसिया की अगुवाई करते हैं और हमने इस कलीसिया को स्थापित किया, फिर हम हैदराबाद चले गए। कहाँ चले गए? अब वहाँ पे हमें 3 साल हो गए पर हमें आप लोगों की बहुत याद आ रही है। हम आपके पास आना चाहते हैं, गुड़गांव आना चाहते हैं, बट शैतान हमारे रास्ते में विघ्न डाल रहा है। अगर आप ध्यान से नोट करेंगे तो आप देखेंगे, तीसरे पद में आ जाएं, इसलिए जब हम और अधिक ना सह सके तब हमने एथेंस में अकेले रह जाना अच्छा समझा और हमने अपने भाई और मसीह के सुसमाचार में परमेश्वर के सहकर्मी तिमोथियस को भेजा कि तुम्हारे विश्वास में तुम्हें दृढ़ और उत्साहित करे। मतलब पौलुस इस कलीसिया में आना चाहता है, विजिट करना चाहता है, लेकिन वो आ नहीं पाया लेकिन उसने अपने असिस्टेंट को भेज दिया कि तू जाके पता कर उस कलीसिया को जिसकी हमने स्थापना करी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो लोग भटक गए फिर से, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग शैतान की बातों में फिर से आ गए। हमारे सत्संग में ऐसा हुआ है बहुत सी कलीसिया में, जहां जहां जाता हूं पास्टरों से उनका दुख पूछता हूं, क्योंकि मैं खुद एक पास्टर हूं। जब मुझे किसी पास्टर से व्यक्तिगत पर्सनल बैठने को, बात करने को मिलता है, मैं उनसे यही पूछता हूं, पास्टर आपके लिए, आपके जीवन में किन कलीसिया के तौर पे किन बातों का आपको सबसे ज्यादा सामना करना पड़ता है? तो बोलते हैं लोग आपस में गुटबंदी करते हैं, ये है वो है। एक बात वो ये भी बोलते हैं, क्योंकि मैं अपना दुख यही जताता हूं कि पास्टर बहुत से लोग प्रभु में आकर ना वापस चले जाते हैं। पौलुस का भी पौलुस भी उसी बात की चिंता कर रहा है। आप 5वें वचन को देखो, पौलुस अपनी कलीसिया को जिसकी उसने स्थापना करी उसकी इतनी चिंता करता है। सब लोग पढ़ो 3:5 में वो क्या कहता है, इस कारण जब मुझसे और ना सहा गया तो मैंने तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए, इधर देखो सारे, क्या करने के लिए, पौलुस ने चर्च को स्थापित किया। अब पौलुस उस चर्च से बहुत दूर है, आना चाहता है लेकिन शैतान विघ्न डाल रहा है, रास्ते में रुकावट डाल रहा है। तो पौलुस ने क्या बोला, तिमोथियस तू जा और तू जाके उनके विश्वास का हाल पता कर। सबसे बड़ी जिस बात की चिंता एक सच्चा अगुवा करता है ना, वो कलीसिया के लोगों के विश्वास की चिंता करता है। पौलुस भी क्या कह रहा है, इस कारण जब मुझसे और ना सहा गया तो मैंने तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भी तुम्हारे पास भेजा। आगे क्या लिखा है, कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा करने वाले ने, कौन है परीक्षा करने वाला, शैतान, कि परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा की हो और हमारा परिश्रम व्यर्थ गया हो। चिंता है पौलुस को कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग चर्च में आए, विश्वास किया और बाद में शैतान के चक्रों में फिर से फंस गए और चर्च आना छोड़ दिया। इसलिए वो इतने दर्द के साथ, केयर कंसर्न के साथ, उसको बड़ा ध्यान है कलीसिया के बारे में, कलीसिया की सुधि, कलीसिया का हाल चाल, कलीसिया की आत्मिक हेल्थ क्या है, आत्मिक सेहत कैसी है कलीसिया की, उसकी वो चिंता करता है और उनको पत्री लिखता है। पौलुस को भेजता, तिमोथियस को भेजता है कि तू जा वहां पता कर सब ठीक है कि नहीं, कहीं ये तो नहीं कि लोग छोड़ के चले गए प्रभु को। फिर पौलुस वापस तिमोथियस वापस आता है और खुदा का धन्यवाद हो कलीसिया मजबूत है और तिमोथियस अच्छी रिपोर्ट देता है, अच्छी खबर देता है कि वहां काफी अच्छा चल रहा है, सब लोग बहुत विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं, लोग एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, लोग दुखों के अंदर भी प्रभु को नहीं छोड़ रहे हैं।
तो खुशी के दिल के साथ पौलुस पत्री लिखता है और उन्हें कुछ बातें भी और सिखाता है। उस ये इसका आधार है इस पत्री का। पौलुस ने लिखा थेसलोनिका के लोगों को क्योंकि वो उन लोगों की बड़ी चिंता करता है। वहां जा तो नहीं पाया लेकिन उसने अपने असिस्टेंट को भेजा, तिमोथियस को भेजा। तिमोथियस वहां गया, उसने चर्च का हालचाल देखा और वो अच्छी रिपोर्ट लेकर के अपने लीडर के पास गया और पौलुस बड़े खुशी के साथ इस पत्री को लिखता है। कलीसिया का हाल चाल इतना अच्छा है, सचमुच वो कलीसिया आदर्श कलीसिया बन गई है। हम अगली स्लाइड में जाएंगे और हम देख सकते हैं कि वहां पे थेसलोनिकी की कलीसिया पूरे राज्य के लिए आदर्श कलीसिया बन चुकी थी। आप सबने हाथ उठाया था अभी कि हम आदर्श कलीसिया बनना चाहते हैं। ये कलीसिया आदर्श कलीसिया बन चुकी है। मान लो जैसे येशु नाम सत्संग कौन से शहर में है, बोलो कौन से शहर में है? लेकिन येशु नाम सत्संग इतनी अच्छी, इतनी आदर्श कलीसिया बन गई है कि हरियाणा और पंजाब के लिए आदर्श कलीसिया बन गई है। यही इस कलीसिया का हाल है। इतना अच्छा यहां पे सब कुछ चल रहा है कलीसिया के अंदर। पौलुस कहता है एक का साथ सब पढ़ो, एक का साथ सब लोग पढ़ें, एक का साथ। मैसेडोनिया और अखाया के समस्त विश्वासियों के लिए तुम क्या बन गए? आदर्श बन गए हो। सचमुच तुम्हारे विश्वास की चर्चा हर जगह हो रही है। लोग तुम्हारे विश्वास की चर्चा कर रहे हैं, लोग तुम्हारे प्रेम की चर्चा कर रहे हैं। तुम प्रभु पे विश्वास करते हो, तुम प्रभु को प्यार करते हो, तुम एक दूसरे से भी प्यार करते हो। मैं सचमुच बहुत खुश हूं, वो कहता है कि तुम्हारा, तुम पूरे रीजन के लिए, पूरे आसपास के इलाके के लिए तुम क्या बन चुके हो? आदर्श बन चुके हो। तो मैं भी चाहता हूं कि हमारी कलीसिया आदर्श बने। लेकिन सवाल ये उठता है, अगला सवाल, अगली स्लाइड, कि एक आदर्श कलीसिया के अगुवे कैसे होने चाहिए। जब मैंने इस संदेश की तैयारी करी तो मैंने दो भाग लिखे। पहला, आदर्श कलीसिया के लोग ऐसे होने चाहिए। उसके अंदर आदर्श कलीसिया के लोगों के लिए, आप लोगों के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। फिर मैंने एक और कागज लिया, उसके ऊपर मैंने लिस्ट लिखी, इस पत्री से हम क्या सीखते हैं आदर्श कलीसिया का अगुवा, पास्टर और एल्डर कैसे होने चाहिए। तो मैंने सोचा कि मैं जितने भी लोगों के अंदर गुण होने चाहिए उसका प्रचार करता हूं। एक्चुअली अगले संडे का प्रचार ऑलरेडी तैयार है, लिस्ट पूरी बनी हुई है इसमें से जो हम सीखते हैं। लेकिन फिर मेरे मन में आया कि एक्चुअली कलीसिया किससे बनती है? अगुओं से और लोगों से। कुल मिलाके कलीसिया किससे बनती है? लीडरों से और पास्टर से और लोगों से। ये जरूरी है। फिर मैंने सोचा कि हम लोगों की बात अगले हफ्ते करेंगे, हम इस हफ्ते बात करेंगे आदर्श कलीसिया का लीडर, यानी कि मैं और स्वप्निल भैया, हम दोनों के अंदर क्या गुण होने चाहिए अगर हमारी कलीसिया को आदर्श बनना है। तो मेरे लिए आसान होगा खड़े होकर आप लोगों के लिए प्रचार करना, तुम्हारे अंदर ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, एकता होनी, ये सब लिस्ट अगले हफ्ते आपकी बारी है, लेकिन इस हफ्ते मेरी बारी है। ये जरूरी है कि हम देख लें बाइबल के अनुसार इस पत्री में से जो प्रिंसिपल्स, जो गुण हम, जो शिक्षा हम निकाल सकते हैं कि आपका पास्टर कैसा होना चाहिए, आपका अगुवा कैसा होना चाहिए, आपका एल्डर कैसा होना चाहिए। तो मुख्य रूप से ये प्रचार एक्चुअली मेरे लिए है और भैया के लिए है, लेकिन फिर मैं उनको प्रचार कर सकता हूँ, वो मुझे प्रचार कर सकते हैं, हम दोनों एक कॉफी शॉप में बैठकर स्टडी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको बोलने का क्या फायदा, क्यों मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आपके सामने क्यों बोल रहा हूँ। ये जो गुण है आदर्श कलीसिया का अगुवा या लीडर या पास्टर कैसा होना चाहिए, ये तो मैं और भैया आपस में बैठ के हम लिस्ट बना सकते हैं, तो फिर मैं आपको क्यों प्रचार कर रहा हूं। किसने बोला पता नहीं? वेरी गुड, ओके। एक्चुअली आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपका लीडर कैसा होना चाहिए, ताकि आप अपने पास्टर और अपने एल्डर के लिए प्रार्थना कर सकें। और अगर कुछ गलत हो रहा है हम दोनों के जीवन के अंदर, उसके लिए आप कुछ ना कुछ एक्शन ले सकें। और दूसरा कारण ये भी है, अगर आप ये शहर छोड़कर कहीं और चले गए, तो बहुत बार हम केवल पास्टर के एक चीज को देखते हैं, वो प्रचार कैसा करता है, उसके अंदर उसका स्टाइल कैसा है, यूट्यूब में उसके कितने 1 मिलियन लोगों ने उसका प्रवचन, ये पास्टर सही होगा। तो क्या हम, क्या है, हम बाहर बाहर की चीजों को देख करके हम खुश हो जाते हैं और हम उनके पीछे लग जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है आप लोग भी जानें आपका पास्टर, सारे बोलो हमारा पास्टर, हमारा एल्डर
कैसा होना चाहिए। आदर्श कलीसिया बनने के लिए केवल लोगों का आदर्श होना नहीं चलेगा, पहले लीडरों को आदर्श होना पड़ेगा। तो भले ये संदेश मुख्य रूप से मेरे और भैया के लिए है, लेकिन ये आप लोगों को जानना जरूरी है, क्या होते हैं अच्छे आदर्श कलीसिया के लीडर्स के गुण, क्या होते हैं, कौन सा पास्टर आपको, किस प्रकार का पास्टर चाहिए, कौन सा वो पास्टर है जो आपकी आत्मा के लिए अच्छा है, कौन सा वो चरवाहा, किस प्रकार का चरवाहा है जो आपके लिए, आपकी आत्मा के लिए जो लाभदायक हो सकता है, वो जानना जरूरी है। 9 गुण इसमें हम देखते हैं मुख्य रूप से, पहला, दूसरा और तीसरे अध्याय में। अब तीसरे अध्याय में बहुत से ऐसे गुणों को हम पाते हैं जो एक पास्टर के अंदर होना चाहिए। आप देखना चाहते हैं वो 9 गुण कौन से हैं आदर्श कलीसिया बनने के लिए, जानना चाहते हैं सब लोग, पहला अध्याय दूसरा पद में आ जाएं, पढ़ें कोई। हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते हैं कि तुम और सॉरी हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते हुए तुम सब के लिए परमेश्वर का सदैव धन्यवाद करते हैं। लगातार एक अगुवा अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता है। सबसे सामने देखिए, पहला गुण आपके पास्टर में क्या होना चाहिए, पढ़ें। अगुवा और पास्टर अपनी कलीसिया के लोगों के लिए लगातार प्रार्थना करता है। हमारी कलीसिया में एक नौजवान है ऐसा, सिर्फ एक है बाय द वे, जो मुझसे 1-2-3 हफ्ते में मतलब लगातार मुझसे पूछता रहता है, भैया आपने मेरे लिए प्रार्थना की, लेकिन बाकी लोग मुझसे नहीं पूछते, वो मेरे से लगातार पूछता है, भैया आपने मेरे लिए प्रार्थना की। कभी कभी तो ये पूछता है, ठीक है भैया क्या प्रार्थना की मेरे लिए। तो शायद ये अच्छा, आपको मेरे से पूछना चाहिए, आपको भैया से पूछना चाहिए, स्वप्निल भैया आपने मेरे लिए प्रार्थना की, प्रार्थना कर रहे हो हमारे लिए। लेकिन एक जो सच्चा पास्टर होता है ना, वो लगातार अपने मन में, अपनी प्रार्थनाओं में, उसको आप लोगों की याद जरूर आएगी। वही एक सच्चा पास्टर है जिसके पास समय हो आपके लिए प्रार्थना करने के लिए। मेरे हमारे चर्च में तो 200-300 लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 300 लोग हैं मैक्सिमम, उस सेक्टर 14 में 90 लोग हैं। पौलुस के पास तो हज़ारों होंगे, हमारे पास दो, मेरे पास दो कलीसियां हैं, पौलुस ने तो बहुत सारी कलीसियाओं को स्थापित किया, फिर भी पौलुस क्या कहता है, हम लगातार तुम्हारे लिए क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मेरे भाइयों बहनों, आपको एक बहुत ज़्यादा बाहर के बहुत से गुण होंगे, उनका भी लाभ उठाया जा सकता है कलीसिया में, लेकिन जो आपको एक गुण जो आपके जो मुझ में और भैया में होना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग आपके लिए क्या करें, लगातार प्रार्थना करें, ये ज़रूरी है आदर्श कलीसिया के लिए। दूसरा गुण देखें, अगुवा और पास्टर मात्र शब्दों से नहीं परंतु शक्ति, पवित्र आत्मा और गहरे निश्चय के साथ प्रचार करता है। केवल शब्दों से, अच्छा सा भाषण तैयार करके, अच्छे शब्दों का प्रयोग करके, अच्छा ज्ञान, अच्छी नॉलेज, खूब किताबें पढ़ पढ़ के, केवल दिमागी प्रचार नहीं करता, वो पवित्र आत्मा के साथ प्रचार करता है, वो शक्ति के साथ प्रचार करता है, और वो कन्विक्शन, निश्चय के साथ, उसको वो विश्वास करता है उस बात पर जिस बात का वो प्रचार कर रहा है। बहुत आजकल ऐसा होना शुरू हो गया है कि पास्टरों को बहुत ज़्यादा भरोसा है अपनी डिग्रियों के ऊपर, बहुत ज़्यादा भरोसा है अपनी किताबें जो पढ़ी हैं घर के अंदर, उनको पढ़ लिया, या डिग्रियों के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है, और अच्छे, इंग्लिश में बोलते हैं एलोक्वेंस, मतलब बहुत अच्छे तरीके से भाषण देने की शक्ति रखना, इस प्रकार का प्रचार वो पास्टर करते हैं। बहुत ज़्यादा भरोसा है अपने मानवीय ज्ञान के ऊपर, अपने दिमाग के ऊपर। सब लोग इस वचन को देख लें पहले, फिर मैं आपको बताऊँगा। 1 का 5, हाँ, हमारा सुसमाचार, हमारा प्रचार तुम्हारे पास ना केवल शब्दों में परंतु सामर्थ में, पवित्र आत्मा में और पूर्ण निश्चयता के साथ पहुंचा। हमने बस हमारा प्रचार तुम्हारे पास कैसे पहुंचा, केवल शब्दों से नहीं पहुंचा, उस हमारे प्रचार में क्या थी, सामर्थ थी हमारे प्रचार में, हमारे प्रचार में पवित्र आत्मा की अगुवाई थी, पवित्र आत्मा हमसे बुलवा रहा था, और हमारे प्रचार में डीप कन्विक्शन, मतलब हम सचमुच उसी बात का प्रचार करते हैं जिस बात पर हम सचमुच विश्वास करते हैं अंदर से। 6 साल पहले जब DBF, 6-7 साल पहले, आई डोंट नो, बहुत साल हो गए, 2012 की बात है एक्चुअली, 2012 में
12 या 13 की बात है, हमें कोई एक पर्टिकुलर चीज DBF ने सिखाई. हम सब लड़के वहां बैठे हुए थे और वहां एक टीचर आया, उसने DBF का ही पास्टर था और एक हमें कुछ सिखाया गया और कहा इसलिए आप बाइबल से इस चीज का प्रचार कर सकते हो. 6-7 साल हो गए, मैंने आज तक उस चीज का प्रचार नहीं किया क्योंकि मेरे मन में कन्विक्शन नहीं है कि मैं वो चीज चर्च के अंदर बोल सकता हूं, जबकि DBF ने मुझे कहा आप बोल सकते हो. क्योंकि यहां पर हम DBF को खुश करने के लिए नहीं है, DBF केवल एक ढांचा है जिसके अंदर होकर हम सेवा करते हैं. पर मैं तब तक उस चीज का प्रचार, अब तक मैंने उस चीज का प्रचार यहां से किया नहीं है. उसके बारे में मैंने कुछ कहा तो है, पर जो उन्होंने कहा कि आप ऐसा प्रचार करो मैंने नहीं किया, आज तक नहीं किया. अगर वो मुझसे पूछेंगे मैं बोलूंगा हां मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं विश्वास नहीं करता उस चीज पर. क्योंकि हम किसी मनुष्यों को खुश करने के लिए प्रचार नहीं करते. यहां से मैं जो भी बोलता हूं, पिछले जब से मैं इस चर्च का पास्टर हूं, मैं जो कुछ भी खड़े यहां से खड़े होकर बोलता हूं, उस बात पर मैं यकीन करता हूं, विश्वास करता हूं, तब मैं वो बोलता हूं. और वो कहता है कि हमने केवल भाषण वाला प्रचार नहीं किया, अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करके प्रचार नहीं किया, हमने सामर्थ्य के साथ प्रचार किया है. सामर्थ्य के साथ प्रचार कौन सा होता है? वो प्रचार जिसको लोग सुने और उनका जीवन बदल जाए. आपका पास्टर ऐसा होना चाहिए जो सचमुच केवल दुनियावी ज्ञान और हाई फाई शब्दों का प्रचार ना करे, लेकिन सामर्थ्य के साथ प्रचार करे. अब ये आपको जानना इसलिए जरूरी है ताकि आप लोग हर संडे सुबह या शनिवार के दिन या हर रोज या जब आपको याद आए, आप लोग जो प्रचारक है यहां पर, या मैं हूं या सोनू भाई या स्वप्निल भाई, जो कोई यहां से प्रचार करता है, उनके लिए प्रार्थना जरूर करें. प्रभु जब हमारे अगुवे तैयारी कर रहे हैं, प्रचार करने वाले हैं, सामर्थ्य के साथ प्रचार करें. हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अपने आप से पूछो, आप कितनी बारी प्रचार करते हो मेरे प्रचार के लिए? कितनी बार आप प्रार्थना करते हो प्रचार के लिए कि प्रभु हमारे पास्टर के प्रचार में सामर्थ हो, ताकि जब वो बोले तो हम 40-45 मिनट व्यर्थ ना करें, वेस्ट ना करें, लेकिन हमारा जीवन बदल जाए. सामर्थ के साथ हमसे बात करना. ये जरूरी है कि पास्टर केवल भाषण वाला प्रचार नहीं, लेकिन सामर्थ के साथ, पवित्र आत्मा के साथ. बहुत बार तैयारी करना बहुत बहुत जरूरी है, ऐसे खड़े होके नहीं बोल सकते. तैयारी करना बहुत जरूरी है, लेकिन हमने जब अपने प्रचार की पूरी तैयारी कर ली, एक प्रचारक के लिए बहुत बहुत जरूरी है कि वो कुछ जगह खुला छोड़े पवित्र आत्मा के लिए. पवित्र आत्मा क्या बोलना चाहता है, अपने आप पे पूरी तरह से अपने 7-8 पन्नों को लिख लिख के बस उसी को डिलीवर कर देना, उसमें कहीं ना कहीं एक जगह होनी चाहिए पवित्र आत्मा कुछ बोलना चाहता है. हर बार तो ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ, लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ है, यहां पर खड़े होकर कोई ऐसा विचार या कोई ऐसी बात आती है जो मैं जानता हूं कि पवित्र आत्मा की ओर से होती है. आपके पास्टर में जो प्रचार करने का जो गुण होना चाहिए, वो उसके दिमागी क्षमता पर निर्भर ही नहीं होना चाहिए, लेकिन सचमुच में आपके पास्टर के प्रचार में सामर्थ्य, पवित्र आत्मा और दृढ़ निश्चयता होनी चाहिए. उसको पता होना चाहिए वो क्या प्रचार करता है. तीसरा गुण आपके पास्टर में क्या होना चाहिए, आदर्श कलीसिया के पास्टर में, उनका चरित्र इतना स्ट्रांग होता है, उनका चरित्र इतना मजबूत होता है कि लोग उनका अनुसरण कर सकते हैं. 1:6 देखें. हाँ, वो उसने सबसे पहले तो वो कहता कि तुम वचन को बड़े क्लेश में, बड़े दुखों में भी तुमने वचन को सुना. तुम्हारी जिंदगी में बहुत परेशानियां थी, बट फिर भी तुम वचन सुनते थे. एक और जगह पे कहता है कि तुमने हमारे वचन को ऐसे स्वीकार किया जैसे वो हमारा नहीं परमेश्वर का वचन है, और वो सचमुच परमेश्वर का वचन है. पर तुमने वचन को कब ग्रहण किया? जब तुम्हारी जिंदगी में बहुत तकलीफें चल रही थी. लेकिन उसके बाद वो क्या कहता है, तुम वचन को बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ ग्रहण करके, अब आगे क्या कहता है, हमारे तथा प्रभु के अनुकरण करने वाले भी बन गए. मतलब तुम हमारी नकल करने लगे, तुम हमारे पथ पर चलने लगे, जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं तुम भी चलने लगे. आप समझ रहे हो इस बात को? ये मॉडल कलीसिया है. कौन सी कलीसिया? मॉडल, आदर्श कलीसिया. आपको पता है आदर्श कलीसिया में एक होती है मॉडल कलीसिया, एक होती है मॉडर्न कलीसिया. कौन सी? एक होती है मॉडल कलीसिया आदर्श, एक होती है मॉडर्न, आजकल की आधुनिक कलीसिया.
पता उसमें क्या होता है? ये मैंने बहुत साल पहले पढ़ा था और इस चीज का ये ध्यान मेरे मन में हमेशा रहता है, पर पता है मॉडर्न कलीसिया में क्या होता है? पास्टर नहीं बोलता कि तुम मेरा अनुकरण करो, मेरी तरह बनो। वो पता क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, मेरी तरह मत बनो, तुम यीशु मसीह की तरह बनो, मेरी तरह मत बनो। पर और वो इसको नम्रता के ढांचे में पेश किया जाता है, मेरी तरह मत बनो, ये मैं तो पापी इंसान हूं, मेरी तरह मत बनो। लेकिन पता है वो नम्रता नहीं होती, वो जिम्मेदारी से भागने का बहाना होता है। आपका पास्टर जो भी है, मैं और स्वप्निल भैया आपके अगुवे जो हैं, उनका चरित्र इतना स्ट्रांग हो जाना चाहिए कि आप लोग जैसे हम चाल चल रहे हैं हमारी तरह चाल चलने लग जाओ। ये भयंकर बात है, बट इसको मैं बाइबल से छुपा नहीं सकता। एक और पत्री में पौलुस कहता है, तुम मेरी तरह बनो जैसे मैं प्रभु की तरह बन गया हूं। आप लोग मेरी तरह कब चल सकते हो? जब मैं प्रभु की तरह बन रहा हूं। इसलिए आपके अगुओं का चरित्र इतना स्ट्रांग होना चाहिए, आपके अगुओं का कैरेक्टर इतना मजबूत होना चाहिए कि आप हमें देखकर बोल सको हमें इनकी तरह बनना है। क्योंकि वो किसकी तरह बन रहे हैं? किसकी तरह बन रहे हैं? प्रभु यीशु की तरह बन रहे हैं। तो अगुओं के लिए नम्रता के नाम पर, ह्यूमिलिटी के नाम पर, नम्रता के बहाने में, नम्र होने के बहाने में क्या बोलते हैं? बहुत बार आप, मैं और भैया बोल सकते हैं, नहीं लोगों को बोलेंगे हमारी तरह मत बनो, बस आप यीशु मसीह की तरह बनो। पर हमारी जिम्मेदारी कहाँ गई? मेरी और भैया की जिम्मेदारी कहाँ गई कि हम अपना चरित्र, अपना चाल चलन, अपना जिंदगी में अपने चुनाव करना, सब कुछ हमारा इतना सिद्ध हो प्रभु के चरित्र के अनुसार हो कि आप लोग देख के बोल सको हमें जॉय भैया और हमें भैया की तरह बनना है। भयंकर बात है। इसीलिए इस सेवकाई में आने के लिए ये बहुत बड़ी एक सोचने वाली बात है। अगर आपको पास्टर बनना है तो आपका चरित्र इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि लोग आपको देख के कह सकें कि हमें इनकी तरह बनना है। पौलुस कहता है कि तुमने बड़े दुखों में वचन ग्रहण किया, तुमने क्लेशों में, तुमने दुखों के अंदर तुमने वचन को ग्रहण किया और तुम हमारे और प्रभु के अनुकरण करने वाले बन गए। आपके पास्टर का चरित्र बहुत मजबूत होना चाहिए। आपका पास्टर प्रभु यीशु, दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हो, क्या हमारा पास्टर प्रभु यीशु जैसा है? क्या हमारा पास्टर प्रभु यीशु की तरह चलता है? क्या हमारा पास्टर प्रभु यीशु की तरह प्यार करता है? क्या हमारे पास्टर के दिल में हमारे लिए दर्द है? क्या हमारे पास्टर के दिल में हमारे लिए सचमुच वो करुणा है? वो सोचता है हमारे बारे में? समय है उसके पास हमारे लिए? ये एक सवाल है जो आप पूछ सकते हो हमारे लिए, मेरे और भैया के लिए। लेकिन उसका चरित्र मजबूत होना चाहिए। अगला गुण क्या होना चाहिए? अगवा और पास्टर कठिनाई, सताव और विरोध में भी हिम्मत नहीं हारता। 2:1 पढ़ें सब लोग। कितने लोगों को समझ में आ रहा है आज का वचन? बीच बीच में हालेलुया आमीन बोलते रहो ताकि मुझे लगे कि आप सुन रहे हो। ठीक है, हालेलुया। ओके, आप लोगों को मजा तो बहुत आ रहा होगा आज का वचन सारा, भैया अपने अपने ऊपर ही बोल रहे हैं, हमारे लिए तो कुछ है नहीं आज, अगले हफ्ते आपकी बारी है। ठीक है, हाँ जी, 2:1 में क्या कहता है? पर तुम तो जानते हो कि फिलिपी में दुख उठाने और दुर्व्यवहार सहने के बाद भी हमें अपने परमेश्वर में ऐसा साहस प्राप्त हुआ कि घोर विरोध होते हुए भी हम तुम्हें परमेश्वर का सुसमाचार सुना सके। अब सुनो ध्यान से, मेरे अंदर और भैया के अंदर, विशेष रूप से हमारे अंदर और सोनू भाई के अंदर भी, हमारे अंदर जो गुण होना बहुत जरूरी है वो ये है कि हम सताव के अंदर, मान लीजिए यहाँ पे लाठी लेकर के, प्रभु ऐसा कभी ना होने दे, लेकिन अगर कोई आ गया लाठी लेकर तो कहीं ऐसा ना हो कि स्वप्निल भैया और मैं और सोनू भाई हम सारे अपनी अपनी बीवी बच्चों को लेकर सबसे पीछे भीड़ में खड़े हैं और बोलेंगे कि मनीष आप जाओ, आपको तो हरियाणी आती है, आगे करो, बात करो, आप उनसे समझाओ उनको। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सताव के समय भग जाएंगे, छुप जाएंगे? जब हमारा विरोध होगा तो कहीं ये तो नहीं कि तब हम डर के भाग जाएंगे? इस चीज का तो अभी तक, इतने सालों में यीशु नाम सत्संग में अब तक कितने साल हो गए, इस चीज का तो अभी तक टेस्ट हुआ नहीं हमारा। हो सकता है अगले हफ्ते, हो सकता है आज भी, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, हमारा टेस्ट होगा। वी हैव टू बी रेडी। सताव के अंदर हम क्या करेंगे?
जब बहुत ज्यादा सताव हमारे ऊपर बढ़ जाएगा बाहर के तत्वों के जो मसीह विरोधी लोग हैं जब वो हमारा सताव करेंगे तो हम क्या करेंगे. परंतु एक और चीज है कठिनाई. क्या हम हार्डशिप सहते हैं, क्या हम मेहनत करने वाले लोग हैं. आप सुनो ध्यान से, आपको ये देखना है क्या हमारा पास्टर मेहनत करता है, क्या स्वप्निल भैया मेहनत करते हैं, क्या सोनू भैया मेहनत करते हैं. ठीक है आप हमारे साथ हर वक्त तो नहीं चलते हो, पूरा हफ्ता तो नहीं चलते हो, सिर्फ संडे संडे को देखते हो, बट एक छवि पता चल जाती है. कहीं हम हर वक्त घर में सोने वाले लोग तो नहीं है. जो सुस्त आदमी है कभी खुदा की सेवा नहीं कर सकता. ध्यान से सुन लो, सुस्त आदमी कभी भी प्रभु की सेवा नहीं कर सकता. लेकिन आपको देखना है क्या आपका पास्टर मेहनती है. आजकल YouTube में जो मैं देखता हूं, मैं सॉरी कि मैं ना 2 महीने हो गए, शायद 3 महीने हो, हर संडे मैं YouTube पे आ जाता हूं. आप लोग सोचते हो कि भैया को क्या नफरत है YouTube से, लेकिन मैं आजकल YouTube में देखता हूं कि पास्टर चला आता है और पास्टर के मतलब हाथ, दोनों हाथ खाली होते हैं और आसपास 10 लोगों की भीड़ चल रही होती है जो उसके बॉडीगार्ड होते हैं, पास्टर के बॉडीगार्ड. कितने लोगों ने YouTube में देखा है ऐसा, बॉडीगार्ड होते हैं पास्टर के. अच्छा एक उसको हम चेला कहते हैं, वैसे वो चेला नहीं है, चेला तो कुछ और ही होता है, बट दुनियावी चेला चमचा कह सकते हैं. तो एक चेले के हाथ में क्या होता है, पास्टर जी का फोन, और दूसरे चेले के हाथ में क्या होता है, पास्टर जी की बाइबल, और तीसरे चेले के पास क्या होता है, पास्टर जी का रुमाल, क्योंकि गर्मी आएगी तो पास्टर जी अपना रुमाल पोछेंगे, अपना रुमाल से अपना पसीना पोछेंगे. सचमुच इस तरह की चीज़ों को हम देखते हैं. और ब्लैक कमांडो वाली फीलिंग लाने के लिए पता क्या करते हैं, अपने ही भाई भतीजों को काली शर्ट और काली पैंट पहना के अपने साथ साथ चलाते हैं, क्योंकि उनको VIP वाली फीलिंग चाहिए. जो पास्टर अपना मोबाइल नहीं उठा सकता वो आपके दुखों को कैसे उठाएगा. जो पास्टर अपनी बाइबल नहीं खुद उठा सकता उसको एक चेला चाहिए स्टेज पे चल के बाइबल उठाने के लिए. वो कलीसिया के लोगों का क्या दुख उठाएगा, क्या उनका बोझ उठाएगा, कैसे वो उनके लिए प्रार्थना करेगा, कैसे वो खुदा के सामने रात को 11 बजे घुटने टेक के प्रार्थना करेगा. तो आपका पास्टर, आपके एल्डर सोनू भैया, हम सब लोगों को, लीडर्स को, सताव तो जब आएगा तब हमारा टेस्ट होगा, हम ऐसे नहीं बोल सकते, लेकिन हमें तैयार रहना है सताव के सामने, विरोध के सामने. लेकिन क्या हम कठिनाई सहते हैं, क्या हम सचमुच जब थक हार के बस छुट्टियां मार ली, 4 छुट्टियां हो गई, कुछ काम ही नहीं किया, कलीसिया को कोई काम नहीं किया, क्या हम कठिनाई सहने वाले हैं, क्या हम अपने आप को खींचने वाले हैं, क्या हम सचमुच अपने ऊपर थोड़ा सा क्या बोलते हैं, थोड़े कठोर हैं अपने साथ हम के नहीं, या हमें आरामदायक जीवन जीना है. बस बढ़िया सा प्रचार तैयार करेंगे और संडे को अच्छा प्रचार करेंगे, फिर देखते हैं, फिर घूम के आते हैं 4-5 दिन कहीं पे. आपका पास्टर मेहनती होना चाहिए. क्या होना चाहिए, मेहनती पास्टर होना चाहिए. पौलुस भी कहता कि हम भी मेहनत करी हमने भी तुम्हारे बीच में, हालांकि वहां पर उसका कहने का मतलब यह है कि हमने तुम लोगों से तनख्वाह नहीं ली, हमने तुम लोगों से पैसे नहीं मांगे, हमने अपने हाथों से काम किया और हमने तुम्हारे ऊपर हम बोझ नहीं बने. बट हम ये भी जानते हैं कि हर तरह की कठिनाई उसने सही, जैसे प्रभु यीशु के पास हमेशा अपने लोगों के लिए समय होता था. क्या मेरे और भैया के पास समय है आप लोगों के लिए? 2:1 में क्या कहता है, पर तुम तो जानते हो कि फिलिपाई में दुख उठाने और दुख, ये 2:2 पढ़ रहा हूं, पर तुम तो जानते हो कि फिलिपाई में दुख उठाने और दुर्व्यवहार सहने के बाद भी हमें अपने परमेश्वर में ऐसा साहस प्राप्त हुआ कि घोर विरोध होते हुए भी हम तुम्हें परमेश्वर का सुसमाचार सुना सके. 9 में आ जाओ, 2:9, सब अगर पहुंच गए 2:9 में तो बोलो हालेलुया. हाँ, 2:9 में क्या लिखा है, भाइयों तुम्हें हमारा परिश्रम और कष्ट स्मरण होगा कि हमने तुम में से किसी पर बोझ न बनने के अभिप्राय से कैसे रात दिन और काम धंधा करके तुम्हें परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया. यहां पर वो काम काज के अंदर भी मेहनत कर रहा है, अपने हाथों से तंबू बनाने का काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, ताकि वो कलीसिया के लोगों पर बोझ ना बन सके. अब आप बोलेंगे भैया यहाँ पे तो आप गलत हैं, आप तो फिर जॉब नहीं करते, आप तो कोई छोटा मोटा गोलगप्पे की दुकान तो नहीं लगा रहे, आप भी कुछ करो, क्यों तनख्वाह लेते हो चर्च से.
यहां पर एक संतुलन लाना मेरे लिए जरूरी है. सब सुनो ध्यान से. पौलुस ने बहुत बार अधिकतर कलीसिया के लोगों से पैसे नहीं लिए अपने जीने के लिए, लेकिन बहुत बार उसने लिए. बाइबल हमें बताती है, हम जानते हैं, बहुत बार उसने मदद ली. इनफैक्ट उसने कहा, यह मेरा अधिकार है कि तुम लोग मेरी मदद. और सुनो ध्यान से, बाइबल सिखाती है हर एक पास्टर अपनी कलीसिया से तनख्वाह लेने का हकदार है. यह कलीसिया के लोगों की जिम्मेदारी है, यह आप लोगों की जिम्मेदारी है कि पास्टर के घर में उसकी हर एक चीज के लिए पैसा है या नहीं है. जब बाइबल सिखाती है कि आप पास्टर को दुगना आदर दो, लिखा है कि जो तुम्हें वचन सिखाते हैं उन्हें दुगना आदर दिया जाए. वहां पे दुगने आदर का मतलब क्या है? उन्हें दुगनी तनख्वाह दी जाए, वो उसका असली मतलब है. तो बाइबल हमें सिखाती है कि कलीसिया के लोग, ये डीबीएफ की जिम्मेदारी नहीं है. ऑर्गेनाइजेशनली संस्था के हिसाब से डीबीएफ अपना काम कर रहा है कि मुझे एक तनख्वाह दे रहा है, लेकिन आत्मिक रीति से ये डीबीएफ की जिम्मेदारी नहीं है. आत्मिक दृष्टिकोण से ये कलीसिया के आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग इस चीज का ध्यान रखो कि हमारे पास्टर के घर में हर एक चीज है कि नहीं. उसकी नॉट हर एक चीज, लेकिन उसकी जरूरतों के लिए उसके पास पूरा है कि नहीं है. और पौलुस ने बहुत बार, अधिकतर उसने कलीसिया पे बोझ नहीं बना, लेकिन बहुत बार उसने मदद भी ली. लोगों के घरों में रहा, लोगों के साथ उसने छः छः एक एक साल दो दो साल रहा, उनके घर से उसने खाना खाया क्योंकि उस समय वो काम नहीं करता था. बहुत लोग बोलते हैं कि पौलुस ने कभी पैसे नहीं लिए. ये गलत है, ये ज्ञान का अभाव है. हम एक चीज़ जानते हैं कि उसने, लेकिन बाइबल बहुत जगह सिखाती है कि उसने मदद ली भी है. लेकिन फिर भी आप कहेंगे, भैया फिर आप तो छः सात साल से आप तो पास्टर लगातार तनख्वाह ले रहे हो. पौलुस अपने लिए एक डिफेंस पेश करता है. यहाँ पर तो नहीं, दूसरी पत्रियों में पौलुस अपने लिए एक डिफेंस, अपने आप की अपनी रक्षा करता है, अपने फेवर में बोल रहा है कि मेरा ये अधिकार है, तुम लोगों की जिम्मेदारी है कि तुम मेरा ध्यान रखो. मैं भी यहाँ पर, जब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं पैसे के लिए नहीं हूँ. 2012 में जब मैंने अपनी तनख्वाह छोड़ी तो 90% तनख्वाह का कट लेकर मैं चर्च में आया. हम कलीसिया पे बोझ, बहुत बार मेरी इच्छा होती है, खास तौर पर जब इंग्लिश वाले हमें बोलते हैं कि अब आपको अपने सारे खर्चे खुद संभालने हैं. 3 साल से मैं सुन रहा हूँ, सारे खर्चे अपने खुद संभालो, हम आपको ज़्यादा नहीं दे सकते. 3 साल से मेरे मन में ये बात आती है कि शायद मुझे अब तनख्वाह नहीं लेनी चाहिए, मुझे चर्च से तनख्वाह नहीं लेनी चाहिए. जो मैं इस समय चर्च से तनख्वाह ले रहा हूँ वो मेरे खर्चों के लिए आधे से भी कम है. जो मेरे हर महीने खर्चे हैं उसके आधे से भी कम तनख्वाह मैं ले रहा हूँ. ये मेरी इच्छा है, ये वो समय जल्द आए कि मैं कलीसिया से 1 रुपया तनख्वाह ना लूँ. पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आप, क्योंकि मैंने 2-3 लोगों से सुना है कि सब यहां पे पैसे के लिए काम करते हैं. मैं आपको अपने बारे में, खुदा के वचन प्रचार करने के पवित्र स्थान से खड़े होकर मैं बोल रहा हूं, मैं यहां पर पैसे के लिए नहीं हूं. अगर मैं आज अपनी नौकरी दोबारा पकड़ूं, मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा, बहुत सारा पैसा होगा. मैं यहां पैसों के लिए नहीं हूं, मैं सचमुच में यहां पर सेवा करने के लिए हूं. क्या मैं सेवा करने में उत्तम हूं? मैं नहीं ऐसा कह रहा हूं. क्या मैं आप सबकी उम्मीदों पर 100% खरा उतरता हूं? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं. आई एम श्योर ना स्वप्निल भैया कह सकते हैं कि वो दुनिया के बेस्ट एल्डर हैं, ना वो कह सकते हैं, ना मैं कह रहा हूं कि मैं दुनिया का बेस्ट पास्टर हूं. पर मैं फिर भी आपको पेश कर रहा हूं आपके सामने वो सारे गुण जो बाइबल सिखाती है आपके पास्टर में होने चाहिए. पर कठिनाई सहने के लिए हम तैयार हैं. आपके पास्टर के अंदर कठिनाई, सताव और विरोध के अंदर भी वो हिम्मत ना हारे. पौलुस कहता है कि मतलब मैंने मेहनत करी और तुम्हारे ऊपर मैं बोझ नहीं बना, और विरोध में भी मैंने प्रचार किया. आप जानते हैं जब उसने इसके पहले वो कहां पे था? वो फिलिपाई में था. पता है फिलिपाई में क्या हुआ था? उसे जेल में डाल दिया गया था, और जेल में से वो पत्रियां लिख रहा है, जेल में से सुसमाचार प्रचार कर रहा है, जेल के अंदर सुसमाचार प्रचार कर, यहां तक कि जेलर प्रभु यीशु मसीह को मानने लगा. तो विरोध के अंदर वो चुपचाप नहीं बैठा, विरोध के अंदर वो शांत नहीं हो गया, विरोध के अंदर वो केयरफुल नहीं चला, उसने प्रचार किया.
आपके पास्टर अगवा और पास्टर पढ़ो क्या सीखा आपने, पढ़ें सामने। अगवा और पास्टर कठिनाई सताव और विरोध में भी हिम्मत नहीं हारता। पांचवा, अगवा और पास्टर की नीयत साफ होती है। इसके बारे में ऑलरेडी बोल चुका हूं लेकिन हम वचन देखते हैं, 2:3 में पढ़ें। सबके पास है बाइबल, एवरीबडी हैज बाइबल, 2:3 सब लोग पढ़ें। क्योंकि हमारा उपदेश न तो भ्रम न अशुद्धता न छल के साथ है, परमेश्वर ने अपना सुसमाचार सौंपने के लिए हमें योग्य समझा, इसलिए हम मनुष्यों को नहीं परंतु हृदयों को जांचने वाले परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए प्रचार करते हैं। जैसा कि तुम जानते हो, हमने न तो कभी चापलूसी करी, लोगों की क्या नहीं करी, चापलूसी करी, और न ही लोभ के लिए कोई बहाना बनाया, परमेश्वर हमारा गवाह है। हालेलुया। और 6 में क्या कहता है, और हमने मनुष्यों से न दूसरों से प्रशंसा चाही, यद्यपि मसीह के प्रेरित होने के कारण हम तुम पर अपना अधिकार जता सकते थे। अब देखिए सामने, उसकी नियत पास्टर के तौर पे, प्रचारक के तौर पे, एक मिशनरी के तौर पे, उसकी नियत कैसी है, साफ है। कोई अशुद्ध नियत से वो सेवा नहीं कर रहा। हमारे चर्च में मैं आपको एक सच्ची कहानी बताता हूँ, येशु नाम सत्संग की सच्ची कहानी। आज से 5 साल पहले एक बहन पानीपत की रहने वाली हमारे चर्च में आई। जब वो चर्च में आई तो क्योंकि वो नई थी तो हमने उससे मुलाकात की। आजकल वो बहन अमेरिका में है। लगभग 1 साल हमारे चर्च में आई। उस बहन ने मुझसे बोला कि भैया मुझे आपसे बात करनी है। मैं किसी बहन को लेकर ऊपर एक कमरे में उसको लेके गया, उससे बातचीत करी, और उसको रातों को दुष्ट आत्मा बहुत सताता, उसको नींद नहीं आती थी, उसको दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ था। हमने प्रार्थना की और प्रभु ने उसको चंगाई दी। उसके बाद मैंने उस बहन से पूछा कि आप प्रभु में कब आए और कैसे आए। उसने कहा कि पानीपत में एक पास्टर था जो उस समय उसके चर्च में 20-25 लोग आते थे, उस पास्टर की सेवकाई के जरिए से मैंने प्रभु को जाना। फिर उसने कहा कि मैंने गुड़गांव में आ गई, नौकरी पकड़ ली, तो मैं बहुत महीने चर्च नहीं गई। तो मैंने बोला, आपने बेटा ऐसा क्यों किया, आपको पता, आप तो पढ़े लिखे हो, आपको पता कि हर जगह पे दुनिया भर में चर्च हैं, जहाँ जहाँ जाते हो चर्च जाया करो, क्यों नहीं गए। तो उसने मुझे बोला, मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि मैं उस पास्टर के द्वारा मैंने बहुत दुख उठाया। किसके द्वारा दुख उठाया, पास्टर के द्वारा, पास्टर की वजह से दुख उठाया। मैंने बोला, मुझे बताओ क्या हुआ। उसने मुझे बताया नहीं क्योंकि वो डर गई थी। उसने कुछ, मैंने उस बहन से बातचीत, वार्तालाप ओपन रखी, बातचीत करता रहा। एक दिन उसका छुट्टी के दिन फ़ोन आया, 2-3 बजे का टाइम था, मैं अपने घर पे था, उसने फ़ोन किया और फिर उस दिन फ़ोन पर उसने मुझे सब कुछ बताया। और फिर उस बहन ने कहा कि वो पास्टर जो हमारे चर्च में, जो हमारा पास्टर था, वो घर घर जाके ऐसे कहता था, दशमांश दो आपके, जो भी आपके, और कह रही मेरे घर में खाली मैं विश्वासी थी, मेरे घर में कोई और विश्वासी नहीं था, मेरी मम्मी, हम सब, वो सब लोग प्रभु को नहीं जानते थे, खाली मैं प्रभु को जानती थी। वो फिर भी मेरे घर में आके हर हफ्ते आता था और कहता था कि मुझे दशमांश दो। और उसकी आदत थी, घर घर जाके कहता था, तुम्हारे घर में जितना गोल्ड है, जितना सोना है, वो निकाल के मुझे दो तो प्रभु तुम्हें आशीष देगा। नियत, घर के लोगों ने जब उसे, ऐसे कौन देगा अपना गोल्ड, लेकिन कईयों ने दे भी दिया क्योंकि वो वचन का दुरुपयोग करके, बाइबल खोल के, बाइबल के वचनों का गलत इस्तेमाल करके बोलता था, तुम्हारे घर में जितना भी गोल्ड है तुम निकालो। बहुत लोगों ने दिया लेकिन इस बहन के लोग पढ़े लिखे थे, गवर्नमेंट जॉब वगैरह सब करते थे। तो एक दिन उसने बोला, अगर तुम नहीं दोगे तुम्हें श्राप आएगा। क्या बोला पास्टर ने, अगर तुम नहीं दोगे तो तुम्हें श्राप आएगा। इस बहन के भाई को आया गुस्सा और उस बहन के भाई ने, मैं तो कहता हूँ अच्छा किया, खड़े होकर उस पास्टर के 2-3 थप्पड़ जड़ दिए कि तू हमारे घर में हमें आशीर्वाद देने आया है या तू हमें श्राप देने आया है, और वो भी पैसों के नाम पर, सोने चांदी के नाम पर, कि अगर तुम नहीं दोगे तो मैं तुम्हें श्राप दूंगा। और उस दिन के बाद वो उस बहन ने चर्च जाना बंद कर दिया। उसके घर वालों ने बोला कि तू चर्च नहीं जाएगी। आप देख रहे हैं कि कितने लोग ठोकर खाते हैं इस वजह से, पैसों की वजह से।
ये पास्टर की जिम्मेदारी है कि वो कलीसिया के लोगों को देना सिखाए, लेकिन घर घर जाकर सोना चांदी मांगना, हर हफ्ते जाके पैसे मांगना जैसे एक गुंडा हफ्ता लेने आता है, उस हिसाब से करना, यहां से साफ पता चलता है कि नियत के बारे में। लेकिन दुख की बात क्या है, शैतान इतने बुरे तरीके से, पता है कलीसिया को आज बाहर से खतरा नहीं है, कलीसिया को आज कलीसिया के अंदर से खतरा है, कलीसिया के अगुओं से, कलीसिया के लोगों से आज खतरा, कलीसिया को अंदर से खतरा है। आज ये पास्टर उत्तर भारत का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध पास्टर है, हमारे नॉर्थ इंडिया का, शायद इंडिया का कह सकते हैं, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध पास्टर है। इस पास्टर के चर्च में हर हफ्ते 30-40 हजार लोग आते हैं। अब उसका चर्च अंबाला में नहीं, किसी और शहर में, पानीपत में नहीं, किसी और शहर में लगता है। उस पास्टर की यूट्यूब वीडियो आप देखोगे तो 1 मिलियन 2 मिलियन इस प्रकार लोग उसके वचन को सुन रहे हैं, लेकिन उसका वचन नहीं है। हम जानते हैं आज भी वो पास्टर लोगों से पैसे इकट्ठे करने में लगा है। मेरे पास तो फर्स्ट हैंड प्रूफ है, सबूत है मेरे पास, फर्स्ट हैंड सबूत है, क्योंकि वो बहन ने मुझे उसके कारनामों के बारे में बताया। यहां तक कि वो अब टेलीफोन यूट्यूब के जरिए या अपनी कलीसिया में अब वो तेल बेच रहे हैं, 250-300 की बोतल, मुझे नहीं पता कितने की बोतल, लेकिन तेल चर्च के अंदर तेल बिक रहा है, पवित्र पानी के नाम से, अभिषेक वाला पानी, पानी की बोतल चर्च के अंदर बिक रही है कि ये प्रभु के आशीष की बोतल है, इसको खरीदो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। पास्टर जी अपने रुमाल के ऊपर अपना हस्ताक्षर करके रुमाल बेच रहे हैं चर्च के अंदर। एक और पास्टर है जो अपने नाम की अपनी शक्ल की घड़ियां बना करके चर्च के अंदर घड़ियां बेच रहा है। और वो जो जिसकी मैं बात कर रहा था, वो तो इस कदर गलत काम कलीसिया में हो रहा है कि अब तो प्रभु के नाम से अभिषेक वाली साबुन बिकने लगी है। कितने लोगों को पता है कि आजकल कलीसिया में साबुन बिकती है, अभिषेक वाली साबुन, अनॉइंटिंग सोप। मुझे पता नहीं कि उस साबुन में ऐसा क्या डाला है कि उसमें हम क्या कभी हम बूढ़े नहीं होंगे या गोरे हो जाएंगे, मुझे पता नहीं कि लोग भी ऐसे मूर्ख हैं। आपके पास्टर का नियत साफ होना चाहिए। एक और जगह पे पौलुस कहता है ये झूठे प्रचारकों का प्रभु उनका पेट है। वो सचमुच में उन्होंने भक्ति को पैसा कमाने का साधन बना लिया है। आपको मालूम है कि आज मैं अगर जॉय गिल चाहे करोड़पति बन सकता हूं, मैं करोड़पति, और इन लोगों ने तो बहुत कुछ सिखा भी दिया हमें, ट्रेनिंग बहुत है यूट्यूब पे करोड़पति कैसे बना जाए। अगर कोई, अगर आप किसी पास्टर को देखते हो यूट्यूब पर या कहीं पर जाकर के, अगर उसके अंदर उसकी नियत, अगर आप लोग बाइबल नहीं पढ़ोगे आपको पता नहीं चलेगा, आप भरमाए जाओगे, लेकिन अगर आप वचन पढ़ने वाले लोग हो, अगर आप बाइबल में मजबूत लोग हो, प्रभु आपको डिसर्नमेंट देगा, प्रभु आपको पहचानने की आत्मा देगा। और अगर आप वचन में मजबूत लोग हो तो आप यूट्यूब पर चाहे कोई भी, चाहे शैतान खुदा के प्रचार करे, तो आप जो बोला जा रहा है वचन के नाम पर, जो प्रचार किया जा रहा है, आप लोग सुन करके पहचान पाओगे ये प्रभु की ओर से है, ये शैतान की ओर से है। यहां पर पौलुस कहता है कि हमने तुम्हें खुश करने के लिए प्रचार नहीं किया। मैं इस हफ्ते किसी होम ग्रुप में गया, पहाड़ी होम ग्रुप में गया, वहां हम इसी विषय पर बहुत देर तक, रात तक हमारी बातें चल रही थी इस विषय के ऊपर। सुनो ध्यान से, बाइबल बताती है कि अंतिम दिनों में क्या होगा, कानों की खुजली वाला प्रचार होगा। कौन सा वाला प्रचार? कितने लोगों ने अपने कानों में खुजली करी है कभी जिंदगी में, एक बार भी अपने, कितने लोग अच्छे से हाथ उठाओ, कानों में खुजली करी है कभी अभिषेक? कभी नहीं करी? कितने लोगों को अपने कानों में जब खुजली करते हैं, खुजली होती है और करते हैं तो बड़ा आराम सा आता है? बहुत लोग। और कितने लोगों ने अपने पीठ पे खुजली, खुद तो नहीं कर सकते, कितनों से करवाई है? एक बार हमारे नाथूपुर से एक बहन आई, वो प्रभु को छोड़ के चली गई, बड़ा दुख आता है, आज तक हम उसके लिए दुआ करते हैं। आपको याद होगा शायद, हम उसके घर में गए, उसके बिस्तर पे, बेड पे सब बैठे, और उस बहन, वो बहन बड़ी मजाकिया थी, और उस बहन ने बोला तकिए के नीचे वो जो पूरी तलने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, झरना, क्या बोलते हैं, झरनी, जो भी है जिससे पूरी तलते हैं, जिसमें छेद होते हैं बहुत सारे, वो उसके तकिए के नीचे था।
तो उसने बोला भैया ये मेरा ना खुजली करने का यंत्र है. तो उसने एक छन्नी जो भी उसको बोलते हैं अपने तकिए के नीचे रख रखी थी खुजली करने, ताकि खुजली करेंगे तो कैसा लगेगा, आराम आएगा. उसी प्रकार हम जब कानों में खुजली करते हैं हमें कैसा लगता है, अच्छा लगता है. मेरे ख्याल में पौलुस भी खुजली करता होगा जरूर. इसीलिए पौलुस ने क्या कहा, अंतिम दिनों में, अंत के दिनों में जब यीशु वापस आने वाला होगा, उन दिनों में क्या होगा, बहुत से झूठे प्रचारक खड़े हो जाएंगे और क्या करेंगे, कानों की खुजली वाला प्रचार करेंगे. मतलब ऐसा प्रचार करेंगे तुम लोगों को सुन के बड़ा मजा आएगा, क्योंकि वो पाप का प्रचार नहीं करेगा, पवित्रता का प्रचार नहीं करेगा, आज्ञाकारिता का प्रचार नहीं करेगा, आध्यात्मिक जीवन में अनुशासन लाने का प्रचार नहीं करेगा. वो केवल यही प्रचार करेगा, विश्वास करो सारे दुख दूर हो जाएंगे, बीमारियां दूर हो जाएंगी, तुम बहुत अमीर हो जाओगे, तुम्हारे फोन में अभी पैसा आ, कितने लोगों ने ये नाटक देखा है, YouTube पे देखा होगा, तुम्हें अभी तुम्हारे फोन में अभी पैसे आ रहे हैं, कितने लोगों ने देखा है. इट रियली हैपन्स, हमारे उत्तर भारत में बहुत हो रहा है. हाँ, अभी अपना पर्स खोलो, अभी देखो पवित्र आत्मा ने पैसे भेज दिए, ये नाटक हो रहा है. ये कौन सा प्रचार है बताओ, कौन सा प्रचार है, कानों की खुजली वाला प्रचार है. इस प्रचार से मन मुग्ध मत हो जाओ, बाइबल को पढ़ो, बाइबल को अच्छे से पढ़ो, 25-30 बार बाइबल पढ़ो, पूरी बाइबल पढ़ो. तब जब समय बच जाएगा ना, तब आप YouTube में देखना ये सब कुछ. थोड़ा मुझे समय लगेगा, लेकिन मैं आप लोगों को YouTube पर कौन कौन से प्रचारकों का वचन आप सुन सकते हो, मैं वो लिस्ट आपको दे दूंगा. और मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको एक ऐसी भी लिस्ट बना के दूं कि आप उसका वचन मत सुनना, पर मैं इस मंच से वो नहीं बोलूंगा. पर अगर आप लोगों को जानना है भैया कौन से प्रचारक का प्रचार हम ना सुने, मेरे से पूछना, मैं आपको बताऊंगा. मत सुनो उस प्रचारक को, प्रभु को मैं जवाब दे दूंगा अगर मैं गलत हूं तो, क्योंकि मुझे चिंता है इस चीज की कि आप लोग क्या सुन रहे हो, क्या क्या चल रहा है आपके घरों में. खुदा का धन्यवाद करता हूं कि एक नया परिवार था जो बहुत उस गलत प्रचारक को बहुत सुन रहा था. प्रभु ने उसकी पत्नी के अंदर डिसर्नमेंट डाली, बुद्धि को डाला, और उसकी पत्नी ने कहा कि नहीं, ये सब फेक है, ये सब झूठ है. मैं इसलिए आपको बोलता हूं, जब कोई प्रचारक को सुनते हो उसको नोट करो, क्या वो बार बार बाइबल को पढ़ पढ़ के बता रहा है या अपनी कहानियां बताए जा रहा है. बाइबल का प्रचार होना जरूरी है, बार बार आपका ध्यान बाइबल में लेके जाना जरूरी है. समझ में आ रहा है सबको, आगे बढ़ें. पांचवी, छठी आदत क्या होगी, अगवा और पास्टर बच्चों के समान होता है. अच्छा, सब लोग इधर देखिए, मेरे पास NIV वर्जन है, उसके अंदर 2:7 के पहले भाग में लिखा है कि हम तुम्हारे बीच में बच्चों के समान थे. किसके समान थे, बच्चों के समान थे. मुझे बताओ, अगर आपका पास्टर, अगर सफल भैया मैं, अगर हम छोटे बच्चों की तरह हो तो थोड़ा अजीब नहीं लगेगा, बच्चों की तरह. पौलुस क्या कहता कि हम तुम्हारे बीच में कैसे थे, बच्चों के समान थे. लेकिन यहां पर वो बच्चों के समान कहने का मतलब वो ये है कि जैसे बच्चे जो दिल में होता है सब कुछ बोल देते हैं, तोड़ मरोड़ के लोगों को खुश करने के लिए नहीं बोलते, जो बोलना होता है बोल देते हैं. पौलुस कहता है कि हम तुम्हें खरा प्रचार करते हैं, जो हमें बोलना होता है हम तुमको बोल देते हैं. हम तुम्हें मक्खन लगाने के लिए नहीं बोलते, हम तुम्हें खुश करने के लिए कुछ नहीं बोलते, बट हमें जो सत्य बोलना होता है हम तुम्हें बोल देते हैं. तुम्हारा जो पास्टर होना चाहिए उसे सच बोलने की उसके अंदर हिम्मत होनी चाहिए. वो केवल ये ना सोचे कि यार लोग बुरा मान जाएंगे, चर्च छोड़ देंगे, वो इस बात की चिंता ना करे. सच्चा पास्टर वो है जो खरा प्रचार कर देगा, बोल देगा, सच्चाई बोल देगा, और बातों को मैनिपुलेट नहीं करेगा, बातों को तोड़ मरोड़ के पेश नहीं करेगा, सीधा सीधा बात करेगा, डिप्लोमेटिक नहीं होगा. अगला गुण देखते हैं, 7वां गुण देखिए, अगवा और पास्टर मां के समान प्यार करता है. तो एक आदमी एक भाई की तरह हो सकता है, हां या ना, एक पिता की तरह हो सकता है, हां या ना, एक अच्छे लीडर की तरह हो सकता है, हाँ या ना, एक स्ट्रॉन्ग लीडर हो सकता है, हाँ या ना. लेकिन पौलुस क्या कहता है यहां पर, हम तुम्हारे लिए कैसे हैं. 2:7 पढ़ो सब लोग, सब जोर से पढ़ें. परंतु तुम्हारे मध्य हमने ऐसी विनम्रता दिखाई जैसे एक दूध पिलाने वाली मां अपने बच्चों का लालन पालन कोमलता से करती है. अगर पौलुस, जो कि एक आदमी है, पुरुष है,
अगर वो पिता के समान हो चलता है, भाई के समान हो चलता है, स्ट्रॉन्ग लीडर हो चलता है, लेकिन पौलुस क्या कहता है, हमने किस प्रकार तुम्हारा पालन पोषण किया? माँ के समान। ये सवाल आपको देखना है। आपके लीडर के अंदर केवल लीडरशिप क्वालिटीज को मत देखो, हमारा अगुवा कैसा लीडर है, क्या वो कठिन डिसीजंस ले सकता है, क्या उसके अंदर दम है कुछ करके दिखाने का। सिर्फ उसके बाहर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स को मत देखो। वो क्या कहता है कि हम तुम्हारे बीच में तुम्हारी माँ की तरह थे, कोमलता के साथ, करुणा के साथ, दया के साथ हमने तुम्हारा लालन पोषण किया। मुझे, सोनू भाई को और स्वप्निल भैया को आपके लिए किस प्रकार का दिल होना चाहिए? किस प्रकार का दिल होना चाहिए? एक माँ के समान होना चाहिए। इसलिए जैसे, और यहां पे कह लेते हैं दूध पिलाने वाली मां, यहां पे कितनी माएं हैं जो दूध पिलाती हैं, हाथ उठाएं। और कितनी माएं हैं जिनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, हाथ उठाएं। जिनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, खूब बड़े हो, शादियां भी हो गई, उनके उस मां के बीच में और दूध पिलाने वाली मां के बीच में क्या अंतर है? कि जिस मां, सब लोग मेरे साथ ही हैं कि नहीं, सुन रहे हैं सब, जिस मां के बच्चे बड़े हो चुके हैं वो अगर 2-3-4 साल भी दूर रहे तो मां का चलेगा, लेकिन जिस मां के बच्चे दूध पिलाने वाले हैं, दूध पीने वाले हैं, जो मां दूध पिलाने वाली है, वो अपने बच्चों को दिन में कितनी बार अपने सीने से लगाती है? 5-6-7 बार, करेक्ट। अपने बच्चों को अपने साथ ही रखती है। पौलुस क्या कहता है, पादरियों को ऐसे होना चाहिए जो गले लगाकर जो प्रेम करें, जो केवल अपनी घोषणाएं अपने ऊपर ना, आपके ऊपर ना थोपें, अपने फैसले अपने ऊपर ना थोपें। बड़े लीडर बन चुके हैं, बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं और आपको बोल तुम ये करो तुम वो करो और लीडर बन के बैठे हुए हैं, लेकिन पास्टर को मां की तरह प्यार करना आना चाहिए, कोमल हृदय होना चाहिए। जैसे मां भाग दौड़ के अपने बच्चों के लिए कुछ भी करती है, पास्टर को ऐसा करना चाहिए, वो एक मां की तरह होना चाहिए। आपका पास्टर आपको मां की तरह प्यार करता है कि नहीं? क्या आपका पास्टर कभी आपके लिए आंसू बहाता है? क्या आपका पास्टर आपके लिए रोता है परमेश्वर से? क्या आपका पास्टर आपके लिए समय निकालता है, आपके पास आता है, आपके दुखों को जानने के लिए कभी मेहनत करता है, उसके पास समय है? क्या पास्टर आपकी कमजोरियों को, दुखों को समझता है? अगेन, आज ये मॉडर्न चर्च है, लेकिन मॉडर्न चर्च में क्या हो रहा है, पास्टर का हुलिया अच्छा होना चाहिए, दिखने में अच्छा होना चाहिए, पास्टर को अच्छे से बात करनी आनी चाहिए, और केवल ये बाहरी तत्वों के हिसाब से पास्टर अच्छा है कि नहीं इसको नापा जाता है। आज कौन सी शिक्षा ये सिखाती है कि पास्टर को मां की तरह होना चाहिए? लेकिन पौलुस कहता है हम तुम्हारे लिए कैसे थे, मां के समान थे। आपका पास्टर आपको मां की तरह प्यार करेगा। अगला गुण, इसके बाद एक और है फिर हम खत्म करेंगे। अगवा और पास्टर पिता के समान प्यार करता है। 2:11 में जाइए, पढ़ो। तुम जानते हो कि जैसे पिता अपने बच्चों के साथ करता है, हाँ, वैसे ही हम भी तुम में से प्रत्येक को उपदेश देते और प्रोत्साहित करते और आग्रह पूर्वक समझाते रहे। क्या समझाते रहे? कि तुम परमेश्वर के योग्य चाल चलो जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। आपका पास्टर आपके लिए किस प्रकार होना चाहिए? जितेंद्र, कैसा होना चाहिए? पिता के समान होना चाहिए। अब जो पिता है ना, इधर कितने लोगों ने अपने पिता से डांट खाई है? हम सबको अच्छे पिता मिले, मेरे पिता ने मुझे बहुत डांट लगाई, लेकिन यू नो व्हाट, अगर पिता डांट लगाता है इसका मतलब आपको आपका पास्टर भी डांट लगा सकता है। और आजकल क्या हो रहा है, जो पास्टर हमें खुश रखे, हमारे कहने के अनुसार चर्च में सब कुछ होना चाहिए, वो पास्टर ने हमसे, वो हमें डांट भी सकता है। हाउ कैन ही स्कोल्ड मी, हु इज ही, कौन है वो? मुझे पास्टर ने डांटा, हम चर्च में जाते हैं, हम चर्च में, उनके चर्च में हम जाते हैं, हम दशमांश देते हैं और पास्टर हमें डांट लगाएगा? ये शैतान की सोच है जो आपके अंदर कभी कभी शायद उसने डाली होगी।
In fact, मैं बहुत सालों से एक ऐसे पास्टर की तलाश कर रहा हूं जो पास्टर मेरे पास एक ऐसा पास्टर हो जो मुझे डांटे. अगर आप चाहते हो कि हमें सही रास्ता बताया जाए, अब सुनो ध्यान से. कितने लोग चाहते हैं कि मैं, ये नहीं कि मैं बड़ा बुद्धिमान हूं, लेकिन प्रभु की दया से पास्टर जॉय आप लोगों को सही रास्ता दिखाए. कितने लोग चाहते हैं? अब देखो, अगर आप चाहते हो, नीचे हाथ कर लो हाथ. अगर आप चाहते हो मैं आप लोगों को सही रास्ता दिखाऊं, कैसे मैं दिखा सकता हूं? जब तक आप मुझे ये अधिकार नहीं दोगे कि मैं आपको जो गलत कर रहे हो वो दिखा सकूं. अगर आप लोग सही रास्ता देखना चाहते हो तो कलीसिया का अगवा जब आपको आपकी गलतियां दिखाता है, नम्रता के साथ स्वीकार करो. क्योंकि पिता, जो कलीसिया का पिता है, वो केवल आपकी भलाई चाहता है. एक और पिता प्रेम करता है और बच्चों को प्यार करता है. जब मैं छोटा लड़का था, मैं हॉस्टल में था. बड़ी अच्छी कहानी सुनिए. जब मैं हॉस्टल में था तो मैं आई थिंक मैं छठी क्लास में था, ऐसा कुछ था, छोटा था. तो मैं अपने हॉस्टल का, हमारा जो एक चिल्ड्रंस होम था, वहाँ बहुत सारे बच्चे थे. उनमें से अधिकतर लोगों के माता पिता नहीं थे, और परंतु मेरे माता पिता दोनों थे. पर मैं रहता वहाँ पे था जहाँ पर ऐसे बच्चे थे जिनके माता पिता, बहुतों के माता पिता नहीं थे. तो मैं उनके साथ रहता था और हम उनको हॉस्टल की तरह हम रहते थे. और मैं लीडर था, मुझे मॉनिटर बनाया गया. और रात को 7:30 बजे लीडर की मेरी जिम्मेदारी थी कि सारे बच्चों को लाइन में, हमारे 60-70 लड़के थे हॉस्टल में, उनकी लाइन बनाकर 7:30 बजे चर्च में जाना है प्रार्थना करने के लिए. तो मेरी जिम्मेदारी ये थी कि सब लोग शांति से जाएं और लाइन में जाएं, ये सारी चीज़ें. हम जब चर्च पहुंचे तो सामने से फादर एल्फ्रेड गोंसाल्विस आ रहे थे. ठीक है, वो हमारे जो पास्टर थे. वैसे पास्टर कभी नहीं बनना, ठीक है, वो पास्टर थे. लेकिन और उस फादर ने मुझे, और हम लोग बहुत हल्ला कर रहे थे. तो अब जो मॉनिटर है उसकी जिम्मेदारी क्या होती है कि जो, हाँ, जो चुपचाप नहीं जा रहा, और अगर वो पूछेंगे तो नाम बताना. तो फादर ने मुझे बोला, सो मच ऑफ नॉइज कमिंग, इतनी आवाज़ आ रही है यहाँ पर. और मुझे बोला, जॉय कौन था बताओ, कौन 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 आवाज़ कर रहा था? अब मेरा का क्या क्या काम है? जो मस्ती कर रहे हैं उनका नाम बताना. और मैंने क्या बोला, नहीं नहीं फादर, सब ठीक थे, सब कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब अच्छा था. क्योंकि मैं क्यों किसी को मार पिटूं? वो फादर बहुत क्योंकि मारता था, पेड़ से बांध के हमारी पिटाई करता था. तो मैं क्यों किसी को पिटवाऊं? तो क्या हुआ, थोड़ी सी बात कर ली. तो मैंने बोला, नहीं नहीं फादर, सब ठीक है. तो फादर ने चर्च के सामने अपनी बेल्ट खोली और बेल्ट खोलकर मेरी जो धुनाई करी, मुझे आज तक डर लगता है. बहुत मुझे बहुत पिटाई करी. क्यों मेरी पिटाई करी? मैं झूठ बोल रहा था. वो तो सही था कि मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, बट मेरे अकॉर्डिंग वो इतनी बड़ी डील नहीं थी. तो मैंने बोल दिया, नहीं फादर सब ठीक था. बहुत पिटाई करी मेरी बेल्ट के साथ. उस ज़माने में फ़ोन नहीं, मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे. मैं गया और मैंने हमारी हॉस्टल वार्डन सिस्टर मीना का फ़ोन लिया, से परमिशन ली, और मैंने फ़ोन करा अपने पापा को, अपने पिता को फ़ोन किया. और मैंने कहा, आप अभी आओ, मुझे आपसे बात करनी है. मैंने बताया भी नहीं क्या हुआ. मैंने बोला, पापा आप आ जाओ बस. और मैं बहुत रो रहा था, बड़े, अभी तो मैं बहुत स्ट्रांगली बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत रो रहा था, पापा आप आओ, मुझे आपसे बात करनी है. अगले दिन 11 बजे मैं स्कूल नहीं गया. मैं लड़ाई की, मैंने बहाना किया, मैं स्कूल नहीं गया. सिस्टर मीना ने, हमारी वार्डन ने मुझे बचा लिया और मुझे स्कूल में रखा, हॉस्टल में रखा. मैं स्कूल नहीं गया. 11 बजे मेरे पिता आ गए और मेरे पिता ने मुझे गले लगाया. मैंने भी अपने पिता को गले लगाया और मैंने बोला, फादर एल्फ्रेड ने मुझे बहुत मारा, मेरी गलती नहीं थी, मुझे लेकिन बहुत मारा. एक पिता के पास आपके लिए समय होता है. मेरे पिता बहुत मेहनत करने वाले आदमी थे. बहुत छोटी उम्र में उनकी मृत्यु हो गई. मैं जानता हूँ जिस प्रकार की मेहनत मेरे पिता ने करी है. बहुत ही छोटे बैकग्राउंड से आए, लेकिन बहुत ऊंची अपनी मेहनत से पहुंच गए. बहुत ऊंचा, बहुत तरक्की कर ली. बहुत मेहनत करते थे, कलीसिया से बहुत प्यार करते थे. हर रोज़ चर्च जाते थे, हर रोज़ प्रतिदिन खुदा को बहुत प्यार करते थे. बाइबल पढ़ते थे, भजन संहिता को गीतों में गाना मेरे पिता की आदत थी. लेकिन जब मैंने, बहुत बिजी थे, पर जब मैंने फ़ोन किया अगले दिन 11 बजे, मेरा पिता मुझसे मिलने आ गया और मैंने उनको गले लगाया और सब कुछ मैंने उनको बताया. एक पिता के पास आपके लिए क्या होता है? समय होता है. और एक पिता आपको आग्रह पूर्वक समझाएगा, आपकी गलतियां आपको दिखाएगा.
वो आपको कहेगा कि यहाँ पर आप गलत हैं, तो आप अपने अपने पिता समान पास्टर की बात को मान लें और दिल खोल के अपनी सारी बात आप उनसे करें। बहुत से लोग हैं जो चर्च के पास्टर को सब कुछ होने के बाद बताते हैं, मुझे दुख लगता है। आप लोगों की शादी तय हो गई, उसके बाद आप बता रहे हो कि हाँ भैया लड़की फिक्स कर ली हमने, इससे हमको दुख लगता है। अगर आप प्रोफेशनल डिस्टेंस रखना चाहते हो तो वो कलीसिया नहीं है, वो कुछ और है, वो दफ्तर है पास्टर का, और आप लोग क्लाइंट हो तो चलेगा। आपको प्रोफेशनल डिस्टेंस रखना है पास्टर के साथ जो आपका पिता है। बहुत लोग अपने घरों की बहुत बातें छुपाते हैं क्योंकि पास्टर को नहीं बताएंगे, वो पास्टर अगर उसने मना कर दिया तो क्या होगा। लेकिन पौलुस क्या कहता है कि मैं पिता के समान हमने तुम्हें रास्ता दिखाया। तुम जानते हो कि जैसे पिता अपने बच्चों के साथ करता है, वैसे ही हमने भी तुम में से प्रत्येक को उपदेश देते, प्रोत्साहित करते, आग्रह पूर्वक तुम्हें समझाते रहे कि तुम परमेश्वर के योग्य चाल चलो और तुम्हें अपने राज्य और महिमा में जो बताता है। पिता क्या करता है, एक पास्टर क्या करता है, आपको समझाएगा अपनी बुलाहट के योग्य चाल चलो, तुम्हारा चाल चलन सही होना चाहिए, एक पास्टर आपको ऐसा बोलेगा। अंतिम अंतिम क्वालिटी जो आपके पास, जो मेरे अंदर, स्वप्निल भैया के अंदर और सोनू भाई के अंदर, विशेष रूप से हम तीनों के अंदर ये क्वालिटी होनी बहुत बहुत ज़रूरी है। ये सारी जो मैंने आपको 9 क्वालिटीज़ बताई हैं, अंतिम क्वालिटी क्या है, अगवा और पास्टर अपने लोगों के विश्वास की चिंता करता है। विश्वास में कैसे हो, विश्वास में ग्रो कर रहे हो कि नहीं, विश्वास प्रभु के ऊपर तुम्हारा विश्वास कैसा है, वहीं अटके हो या तुम्हारा विश्वास बढ़ा। हम जानते हैं कि पौलुस इस कलीसिया से बहुत दूर था, लेकिन क्या कहता है, हमसे रहा नहीं गया, ऐसे बोलता है ना, हमसे रहा नहीं गया तो हमने तिमोथियस को तुम्हारे पास भेजा ताकि वो तुम्हारे विश्वास की सुधि ले। अब इधर देखो सब ध्यान से, पौलुस ने इस कलीसिया को क्या कहा था, ये कलीसिया क्या बन चुकी है, क्या बन चुकी है, आदर्श बन चुकी है। अब आदर्श कलीसिया तो मतलब बहुत अच्छी हो गई ना, आदर्श कलीसिया तो उसमें कुछ कमी घटी होगी नहीं, जब आदर्श है तो सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन वो उनके विश्वास की इतनी सुधि लेता है कि आप लोग देखिए वो 3:8 में क्या कहता है, हम उस सारे आनंद के बदले में परमेश्वर का धन्यवाद दें जिससे हम तुम्हारे कारण अपने परमेश्वर के सम्मुख आनंदित होते हैं। अब 10 में देखो, सब लोग 10 में आ जाओ, 3:10, एवरीबडी सी, सब लोग देखो क्या कहता है, पढ़ो सारे, हम रात दिन बड़ी लगन से प्रार्थना करते हैं कि तुम्हें देखें और तुम्हारे क्या चीज की घटी, बताओ कौन सी घटी, विश्वास की घटी, तुम्हारे विश्वास में जो कमी है हम आए तुम्हें सिखाएं और तुम्हारे विश्वास में जो कमी है उसको पूरा करें। आपको अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो आपके लिए मन में सवाल आया होगा कि पौलुस तूने तो कहा था कि ये कलीसिया आदर्श बन चुकी है, बट सुनो, अगर हम आदर्श बन भी गए तो भी हमारे विश्वास में हमेशा ग्रो करने का पोटेंशियल है, देयर इज ऑलवेज रूम टू ग्रो। अगर हम कितने भी अच्छे क्यों ना हो, हमेशा हमारे विश्वास में हमें बढ़ने की जरूरत है। क्या कहता है पौलुस कि तुम्हारे विश्वास की घटी को हम पूरा करें। ये 9 गुण थे जो आपके पास्टर में होने चाहिए। आज का वचन, पूरा वचन मेरे ऊपर, सोनू भाई के ऊपर और हमारे एल्डर के ऊपर था, लेकिन फिर भी हमने इसको आपके सामने प्रचार किया क्योंकि आपको पता होना चाहिए आपके पास्टर, आपके सोनू भैया और आपके स्वप्निल भैया जो आपके एल्डर हैं, उनके अंदर क्या क्या गुण होने ज़रूरी हैं, आपको पता होना चाहिए ताकि आप ऐसे पास्टर्स प्रभु इस देश में दे, आप प्रार्थना कर सको, प्रभु ऐसे पास्टर दे जो पैसा कमाने के लिए पास्टर ना बने, प्रभु ऐसे पास्टर दे जो माँ की तरह कलीसिया के लोगों को प्यार करें, प्रभु ऐसे पास्टर दे जो लोगों के विश्वास की जो सुधि लें, प्रभु ऐसे पास्टर दे जो सचमुच जो एक माँ की तरह, पिता की तरह जो जो हमसे, जो लोगों से प्रेम करें। आपके पास्टर के गुण क्या होने चाहिए, पढ़ पढ़ के सब रिवाइज करेंगे, 1, 2, 3 सब पढ़ो, क्या है, अगवा और पास्टर अपनी कलीसिया के लोगों के लिए लगातार प्रार्थना करता है। अगवा और पास्टर मात्र शब्दों से नहीं परंतु शक्ति, पवित्र आत्मा और गहरे निश्चय के साथ प्रचार करता है।
अगवा और पास्टर का चरित्र इतना मजबूत होता है कि लोग उसका अनुसरण कर सकते हैं। पढ़ो पढ़ो, अगवा और पास्टर कठिनाई, सताव और विरोध में भी हिम्मत नहीं हारता। आगे, अगवा और पास्टर की नीयत साफ होती है। पढ़ो, अगवा और पास्टर बच्चों के समान होता है, वो बातों को तोड़ मरोड़ के पेश नहीं करता। अगवा और पास्टर माँ के समान प्यार करता है। आगे, अगवा और पास्टर पिता के समान प्यार कर, और उस प्यार में कभी कभी क्या होती है, डांट होती है। अब आप कल मैं आप में से कुछ चार पांच लोगों को फोन करूंगा, ठीक है? ओके, नवा पॉइंट, अगवा और पास्टर अपने लोगों को, लोगों के विश्वास की चिंता करता है। ऐसे पास्टर आपको चाहिए, आपके जॉय पास्टर ऐसे होने चाहिए, आपके सोनू भैया ऐसे होने चाहिए, आपके स्वप्निल भैया ऐसे होने चाहिए। क्या आप प्रार्थना करना चाहते हो हमारे लिए आज कि हम ऐसे पास्टर बन सकें?